मामा जी सुनती हो, राजू आया है, अपना राजू। अरे अरे, इत्तू सा था जब अपनी गोद में लिटा के दूध पिलाए थे तुमको, तो फिर पिला दो। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिसे अक्टूबर 2021 में रिलीज किया गया है। ये सारी वेब सीरीज बहुत ही कमाल की है, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन वेब सीरीज के बारे में। कातिल इस औरत से प्यार करता था, मारने के बाद जलाने की कोशिश की गई, पर तुम्हें ये सब पहले से मालूम था। टेस्ट ले रही है मेरा, बुलेट कौन था? बुलेट नहीं थी, तुम्हारा कातिल लेफ्ट हैंडेड है। इंटरेस्टिंग। नंबर वन पर है आफत ए इश्क। दोस्तों, ये कम्प्लीट वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि कॉमेडी ड्रामा देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो कि एक्चुअल में अपने लाइफ पार्टनर को खोजने निकलती है, लेकिन वो जिससे भी प्यार करती है उसकी मौत हो जाती है। असल में इन सभी चीजों के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इसी को रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस कम्प्लीट वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की जा रही है 29 अक्टूबर 2021 में OVG5 पर। नंबर टू पर है हेड एंड टेल्स। दोस्तों, ये कंप्लीट वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सीरियल किलर के लाइफ के ऊपर बेस करके बनाई जा रही है जो कि हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आए। मूवी रिलीज की जा रही है 22 अक्टूबर 2021 में OVG5 पर। नंबर तीन पर है मिसफिट द सीरीज। दोस्तों, एक कंप्लीट वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी जो कि टीनेज कॉमेडी देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये कंप्लीट वेब सीरीज कुछ टीनेजर्स के लाइफ को दिखाने की कोशिश करेगी और उनकी लाइफ कॉलेज में कैसी होती है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लीट वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की जा रही है 16 अक्टूबर 2021 में OVG नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।